शिवपुरी जिले में हर साल दीपावली पर 15 दिन पहले से दीपावली की तैयारियां शुरू हो जाती है। मकानों दुकानों में पेंट होना शुरू हो जाता है, लेकिन अब की बार महंगाई ने जनता की कमर को तोड़ दिया है। दीपावली पर ना तो मकानों में कलर पेंट हुए और ना ही दुकानों में सजावट की गई। बाजार के दुकानदारों ने धनतेरस के पहले ही अपनी अपनी दुकानों में माल भर तो लिया, लेकिन सुबह से शाम तक कोर्ट रोड के दुकानदार एवं टेकरी बाजार के दुकानदार ग्राहक आने का इंतजार करते रहे। शाम 5 बजे तक हाथ पर हाथ रख कर मायूस बैठे रहे। शाम 5 बजे के बाद बाजार में ना के बराबर खरीदारी हुई। वहीं कमल फैंसी स्टोर के संचालक कमल किशोर ने बताया, हमने फोन लगाकर हर जिले में पता किया, मालूम चला कि कहीं भी इस दिवाली पर बाजार नहीं चला, ना कपड़ा चला, ना बर्तन चले, ना रेडीमेड चला। हर दुकानदार आस लगा कर बैठा रहा। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर आप सर जो आज जो धनतेरस पे जो हमेशा हर साल जो बाजार चलता था, आज का क्या दुकानदार आज थोड़ा बाजार कमजोर है, किसानों की फसल बर्बाद होने के कारण थोड़ा बाजार में मत दी जा रही है। बताया जा रहा है सर दुकानदार हाथ पे हाथ धरे बैठे रही है। बिल्कुल सुबह से तो बहुत किताब थोड़ा सा बाजार अब चला है। कितने साल का मतलब विकास टूटा है ये? 5-7 साल हो चुके हैं। 5-7 साल तो दुकानदारी हुई, उसके बाद भी बहुत हल्का बाजार है इस बार। क्या नाम है सर आपका? अमर किशोर। ये अभी आज जो धनतेरस पे जो बाजार हमेशा जो चलता था, आज दुकानदारी का क्या स्कोर रही आपका कुछ? इस बार बिल्कुल दुकान दिवाली नहीं चली है। अच्छा, और ऑल ओवर इंडिया से रिपोर्ट आई है, सब जगह दिवाली फैल रही है। तो माल वगैरह जो दुकानदारों ने भरा था कि नहीं भरा? दुकानदार जो माल लेके आए ना, उनका सब समझ लो रखा का रखा रह गया है। कोई दुकानदारी नहीं चली किसी की पूरे बाजार में, पूरे मार्केट में? ना बर्तन, ना कपड़ा, ना रेडीमेड। सुबह से आप ऐसे ही बैठे हो? हाँ, ना के बराबर चला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।